सोनीपत के मुरलाना में एक बड़ी महापंचायत हो रही है। पंचायत में पंजाब से भी कुछ लोग पहुंचे हैं, बाबा अमन सिंह इस महापंचायत का हिस्सा बनने पहुंचे हैं। बाबा जी किस तरह देखते हो पूरे मामले को, पहलवानों के समर्थन में लगातार पंचायतों के दौर जारी है? बिल्कुल, ये तो अब जो ब्रजभूषण है, ये ऐसी स्थिति हमने पहले देखी है, जब जैसे तुर्क लड़की उठा के ले जाते थे ना, पहले भी पंजाब के लोग छड़ाते थे, बड़े बड़ी जथेबंदियां मिसलां छड़ाउंदियां सी, वो काम इन्हां ने हुण जो बीजेपी का एक लीडर है रोजन भूषण, जो प्रधान भी है पूरी फेडरेशन का, भलवाना के नाल धक्का कर रहा है। तो वह भलवान ने जोड़े भलवाना असी बेनती रिक्वेस्ट भी करते हैं भी तुसी तकड़े होके रहो, तो पंचायत जो महापंचायत ने साडे हरियाणे दियां जिन्नियां पंचायतां बनिया हुई उन्होंने भी असी बेनती करते हैं तो रिक्वेस्ट भी करते हैं भी इस मोर्चे तो कदे आपां पिछे नहीं हटना। ये अपनिया बेटिया की इज्जत का सवाल है, जे आप जे ना बच्चों तो पिछे हट गए, भलवाना तो पिछे हट गए, तो कल आने वाले समय के इतने किसी भी धरती से भलवान अपने पुत्र किसी ने नहीं बना, किसी धी बेटी भलवान नहीं बुलाना बच्चों, तो इस करके इन्हों का आपां नूं पूरा संजोग देना चाहिए। जो बनती कार्रवाई है, जो ब्रजभूषण है जिन्हें जो बच्चों ने एलीगेशन उत्ते लाए ने, जो ने जिहड़ियां गलत हरकतां कीतियां ने, उसकी बनती सज़ा वो मौके की सरकार उन्हें देवे। पर भलवाना ये बेनती जरूर करते हैं भी हुण असी आप जी दे नाले इत्थे आए हैं, अज इस मोर्चे दे विच साथ देन आए हैं, तो दिल्ली की धरती से जो सोडा मोर्चा लग्या सी जंतर मंत्र एक दिन पहला सातों मोर्चा उठ खड़िया सी, दिल्ली भी गए सी, पर सानू इस गल का पता नहीं सी, हुण पता लग्या। पर यह असी दिल्ली सरकार नूं भी कहने भी भलवाना दे नाल हुण फौजां डट चुकियां ने, तुसी बनती कार्रवाई उस दोषी ते करो, ते भलवाना नूं इंसाफ दो ते न्याय दो। जो वाले ये गल भी कह रहे वो भी 15-15 रुपए का वो मैडल है, 15 पैसे के मैडल की कोई बात नहीं है। पहले तो ये देखो भी उन्होंने पहले उसके माँ पिता ने उसको बड़ा किया, खुराक दी, फिर उसको कुश्ती लड़ाई पहलवान बनाया, इतनी मेहनत करके जब पहलवान प्रगट होता है अपना घर खवाना पड़ता है पहलवान को, जे बनाना है तो बड़े बुजुर्ग बताते हैं भी जो पहलवान होता है एक पहलवान लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं, ब्रजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर लगातार अड़े हुए हैं और लगातार पंचायतों के दौर जारी हैं। ये बिल्कुल हम भी इनके साथ हैं, जो ब्रजभूषण है उसको सजा तो सजा देनी पड़ेगी, पहलवानों के साथ हैं। पहलवान चाहेंगे दिल्ली में मोर्चा लगाना है, कहीं पे भी लगाना है, हम उनसे गुरमता करके उनका साथ देना आए हैं। आपका क्या स्टैंड रहने वाला है पहलवानों के समर्थन में? हम उनके साथ खड़ेंगे, जैसे अब पीछे लाठीचार्ज हुआ है ऐसा कोई लाठीचार्ज नहीं होगा। जब हम पहलवानों के समर्थ में आगे ना घोड़े लेके आगे फौज लेके आगे, तो फिर पहलवानों की पूरी रक्षा करेंगे, पहलवानों के साथ खड़ेंगे, पहलवानों को न्याय दवाएंगे। क्या आप निहंग जत्था जो पहलवानों के समर्थन में उनके साथ रहेगा? बिल्कुल साथ रहेगा, पहलवानों से गुरमता होएगा, जैसे भी पहलवान कहेंगे किसी की तरफ भी हेल्प मांगेंगे हम उनकी सपोर्ट करेंगे, इसके लिए करेंगे। जो पहलवान है वो हमारी बेटियाँ भी हैं तो हमारे बच्चे भी हैं, हरियाणा की पनीरी है, जे उनके साथ नहीं खड़ेंगे तो फिर कल को पहलवान कौन बनेगा? बाबा जी आज जो महापंचायत हो रही है उस पंचायत में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है? देखो जो महापंचायत होनी है और जो इनके आगे जो मेंबर लगे वो बड़ा फैसला लेंगे, पर हम भी आज इनके साथ आए हैं तो कोई ना कोई जैसे भी निर्णय निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। पर इससे मैं आपको बिल्कुल देशवासियों को भी बताना चाहता हूँ, हरियाणा पंजाब कहीं पे भी जहाँ जहाँ पे भी पहलवान बैठे हैं, पहलवानों चुप करके ना बैठो, मैदान के विच उतरो, जिवें तुसी कुश्ती दे विच पार्टी मरवाने हो। लगातार पहलवान कह रहे हैं कि हमारे समर्थन में लोग आए, जंतर मंतर से जब हिरासत में लिया गया अपील करते नजर आए पहलवान कि जो जहाँ बैठा वहीं बैठे रहें, हमारे समर्थन में लोग घरों से बाहर निकले। देखो पहलवान ने जे जदों कोई कट्ठ हुंदा ना पूरा कट्ठ करना पैंदा, ये पहलवान ने उत्थे कहता भी तुसी इत्थे रुक दो, इसलिए तो धरना चक दी है ना, अब पूरे पंचायत जो कट्ठियां होणगियां इन्हां दे बड़े वडेरे आउणगे, पहलवान बच्चे ने साडे, ये जो बड़े वडेरे आ गए उन्हां दे पिछे खड़ गए आके, तो फिर पहलवानां दी जित होगी, पहलवानां नूं न्याय मिलेगा, जरूर मिलेगा, थोड़ा समा लग जांदा हुंदा, क्यों जिहड़ा पापी बंदा सरकारां दीआं मौके दीआं सरकारां ने उन्हां दी स्थिति चल रही आ, पर उह कब तक चलाएंगे, न्याय तो न्याय ही होगा, तो न्याय तो कोर्ट ने देना ही पड़ेगा उसको, क्यों जो हरियाणा के लोग हैं ना इनको पता है भी ये बेटियों की इज्जत का सवाल है, अब बच्चों की इज्जत का सवाल है, हरियाणा में कोई पहलवान नहीं उठेगा, जे बच्चे जे लड़ाई जे पीछे हट जाते हैं तो कल को कोई माँ बच्चा नहीं अपना पहलवान बनाएगी, इसके लिए हम हरियाणा का साथ देना है। हरियाणा वालों को कह रहे हो भी किसी गल की कोई लोड़ नहीं इसे डरने की, इनकी लाठीचार्ज से कोई डरने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ खड़ो, हम भी आपके साथ हैं, मोर्चा फतेह होगा। देखिए बाबा अमन थे जो नीम जत्थे के
को लेकर यहाँ पहुँचे और इनका कहना है कि हम पहलवानों के समर्थन में उनके साथ हैं और लगातार उनके साथ रहेंगे। ये बेटियों की इज्जत का मामला है और बच्चों को न्याय जरूर मिलेगा, नहीं तो आगे कोई हरियाणा में पहलवान नहीं बन पाएगा। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।